आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। यशराज फिल्म निर्मित आणि अतुल सबरवाल दिग्दर्शित औरंगजेब हा सिनेमा ह्या आठवड्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय। अर्जुन कपूर, साशा, पृथ्वी, ऋषी कपूर आणि जॅकी श्रॉफ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा सिनेमा ऍक्शनचा धमाका असणार आहे। त्याच निमित्तानं सिनेमातल्या यंग कास्टशी केलेली ही खास बातचीत। औरंगजेब हा सिनेमा लवकरच आपल्या भेटीला येतोय आणि आता आपल्या सोबत औरंगजेब या फिल्मची ही यंग कास्ट आहे। खूप खूप स्वागत आहे तुमचं अजी 24 तास मध्ये। अर्जुन, अगदी सुरुवातीपासून तुझ्यापासून सुरू करेन। खूप छान स्माईल देतोयस तू मराठी ऐकून, काय सांगशील? कारण या आधी इशकजादे मध्ये पण तसाच रफ अँड टफ लुक होता, यातही तसाच रफ अँड टफ लुक आहे, पण जरा वेगळेपणा आहे सिनेमामध्ये। हा, दुनिया अलग है थोड़ी सी। वो छोटे शहर की दुनिया थी, ये बड़े शहर की दुनिया है। हंसी सेम है वो नहीं बदली, लेकिन दुनिया अलग है, स्टोरीज अलग है। इस बार इशकजादे थी एक छोटे शहर की लव स्टोरी, जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है हमारे किरदारों के साथ और उस दुनिया में। गुड़गांव जो औरंगजेब बेस्ड है गुड़गांव में, जहाँ पे माफिया और कॉप्स की इंटरनल जो स्ट्रगल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, और फैमिली ड्रामा जो एक है, तो दो अलग अलग पहलू देखने मिलेंगे आपको मेरे होपफुली एज एन एक्टर। इशकजादे में हंसी, नाच गाना, मजाक, रोमांस, और यहाँ पे एक रियल इंटेंस ड्रामा, साथ में एक्शन और साथ में जेन्युइन इमोशनल जर्नी जो होती है वो देखने मिलेगी। थ्रिलर ऐसी फिल्म है साशा, एक एक्शन थ्रिलर, आपण एक एक्सपेरिमेंट करूया साशा तुझ्यासोबत। एक ऍक्शन थ्रिलर असा सिनेमा आहे औरंगजेब, आणि आपण या पोस्टर्समध्ये पाहू शकतो ही एक मेल ओरिएंटेड फिल्म कुठेतरी जाणून येते आहे, तर तू या फिल्ममध्ये काय करतेस? मैं इस फिल्म में क्या करती हूँ? वेल, मैं इस फिल्म में जो हूँ वो बैड अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड प्ले कर रही हूँ। एंड बहुत बैड अर्जुन कपूर, लोग सोचेंगे जब सुबह सुबह बुरा वाला आता था, जो बदतमीज इंसान अर्जुन आता था, मैं उसके साथ ठीक थी। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज यू नो आई मीन दैट्स आई को बोलो जो अजय सिंह है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रहा हूं। ठीक है, आई एम प्लेइंग अजय'स गर्लफ्रेंड इन द फिल्म। मेरी तोहिन मत करो। अजय'स गर्लफ्रेंड इन द फिल्म, द बैड अर्जुन कपूर। एंड बहुत ही मतलब पावर ड्रिवन कैरेक्टर है मेरा, और जो औरंगजेब जो टाइटल है वो सब कैरेक्टर्स को अप्लाई करता है, तो सारे ही बहुत पावर ड्रिवन है। सो मैं भी बहुत पावर ड्रिवन हूँ, और पावर है और गाड़ी खुद चलाती, पावर ड्रिवन। तो इस फिल्म में बहुत ही कहते हैं ना, मतलब एक एग्रेशन जो है इन दोनों के रिलेशनशिप में वो है, और दोनों एक दूसरे को कड़वी कड़वी बातें जो है, उनके प्यार करने का तरीका ऐसे लगेगा किसी को कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनका प्यार करने का तरीका है। हाँ, पर इशकजादे में एक मिठास आ जाती है, एक समय के बाद एक मिठास आती है, और इशकजादे में एक्चुअली वो जानवरों की तरह होते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चलती है मैं इस पे आके उतारता हूँ, और ये जानती है कि मैं वो जानबूझ के कर रहा हूँ, तो वो मुझे और उकसाती रहती है। कि वो हमेशा कहती है कि तुम अपने बाप जैसा बनना चाहते हो, एक्चुअली तुम उनका बिजनेस टेक ओवर नहीं करना चाहते, तुम एक्चुअली उनके बाप अपने बाप की तरह बनना चाहते हो, और ये सिर्फ तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो, वरना तो तुम मतलब नपुंसक हो ऑलमोस्ट। एंड शी ट्राइज टू स्पाइट हिम ऑल द टाइम, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स हिम टू हर। तो बहुत इट्स एक्चुअली डार्कर रिलेशनशिप देन डोमिनेंसी इज देयर, यू नो, आई थिंक काइंड ऑफ ट्राइंग टू इंटिमिडेट ईच अदर, यू कुड से। तो बहुत ही मजा आया था। किसके कंट्रोल में है ये, तो आपको पिक्चर देख के ही पता चला। पावर ड्रिवन, तो आई थिंक दैट कंट्रोल थिंग इज ऑल्सो देयर एज वेल। साऊथचे अनेक सिनेमे तू केलेस आणि आता हिंदीमध्ये पहिला सिनेमा केलास आय्या, आणि आता तू करतोयस औरंगजेब, आणि त्यातही करतोयस इन्स्पेक्टरची भूमिका, तर तुझ्या भूमिकेविषयी काय सांगावंसं वाटतं? आणि त्याचबरोबर हिंदी यामध्ये थोडासा तुला नक्कीच वर्कआउट करावं लागलं असेल। सो आय बिलीव्ह यू हॅव जस्ट आस्क्ड मी दॅट।
Correct. Yeah, I believe what you want to know is that I play an inspector, and that was a North Indian inspector. So how did I get my Hindi right, and so on and so forth, and beautiful Marathi that I've just listened to. You should answer. Yeah, that will settle scores. You know. I mean, yeah, I. My first film was very much about the way I looked, and you know, I was this this sex object that I was made out to be by my very good friend Marathi director Sachin Kundalkar, and yeah, so this is for me a very significant film, because see, this is firstly, it means a lot that a production house like Yash Raj has shown confidence in me to pull off something like this. And I don't have the liberty of playing a South Indian, unlike my first film. I, as you rightly pointed out, play a North Indian police officer. So a lot of my effort towards this film has been to get my Hindi diction and intonation right, which I, whatever I've achieved because of someone called Vikas Kumar, who worked with me extensively to make my Hindi sound like I speak it every day. Yeah, and on top of that, it is a very, very special character for me. Not just because it's a police officer, but you know, in a lot of ways, you see the film through this character's perspective, and he is the narrator of the film. सिनेमामध्ये डबल रोल करतोयस, खरं तर अनेक ॲक्टर्सना डबल रोल मिळायला बरेच वर्ष जातात, पण तुझा सेकंडच सिनेमा आहे आणि या दुसऱ्या सिनेमामध्ये एक डबल रोल करायला मिळतोय, तुला काय वेगळा अनुभव सांगताय? बार बार नाही मिळता, काही लोकांना एक बार नाही मिळता, तर मी तो कूद पडा. मुझे बहुत खुशी हुई की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे इस काबिल समझा. इशक ज्यादा लगने के पहले मुझे औरंगजेब मिली थी, तो ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए, हाँ, आदित्य चोपड़ा जैसे इंसान मानते हैं कि मैं डबल रोल कर सकता हूँ. फिर वो डाउट हट जाता है दिमाग से, फिर मज़ा आने लगता है डिस्कवर करने में डायरेक्टर के साथ ये कि ये दुनिया कैसी है. तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा, चैलेंजिंग लगा, पर एक्टर के लिए वही एक्साइटिंग चीज़ होती है कि आप कैसे नए नए कैरेक्टर्स अपने तरीके से प्ले कर पाओ, तो मज़ा बहुत आया. या फिल्म मध्ये गाणं गायलंयस तू, त्याची एक छोटीशी झलक प्रेक्षकांसाठी. बिलकुल बिलकुल. मेरी फिल्म औरंगजेब का गाना बर्बाद दिया. उड़े उड़े भेरे रातों को, जिए जिए जिले ख्वाबों को, धुआं धुआं समा है देखो, भरे हैं क्यों बह जाने दो, हो चलो जले जले फिरे डूब कर मरे, शरारतें सब करें बर्बादियां, मीठी लगे आजादी. खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी इतक्या आपुलकीने तुम्ही तिघही बोललात, आणि या फिल्मसाठी तुम्हा तिघांनाही ऑल द बेस् ट. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.